बॉडी बिल्डर्स मसल बिल्ड करने के लिए मॉडरेट वेट यूज़ करते हैं और यूजली फेलियर तक रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं लाइट टू मॉडरेट वेट यूज़ करने की वजह से पहले स्लो ट्विच मोटर यूनिट्स रिक्रूट होते हैं और जैसे जैसे वो थकने लगते हैं फास्टर ट्विच मोटर यूनिट्स टेक ओवर करने लगते हैं फोर्स आउटपुट मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उस वेट को मूव करने के लिए इस वजह से ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है बिल्कुल स्लो ट्विच से लेकर बिल्कुल फास्ट ट्विच मोटर यूनिट्स का वो कवर हो जाता है ये कंसिस्टेंट है हेडमैन साइज प्रिंसिपल के साथ जो हमने एपिसोड थ्री में कवर किया था लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ पावर या स्पीड एथलीट हो तब भी क्या ये तरीका सही है ट्रेनिंग का पावर लिफ्टर और ओलंपिक लिफ्टर के पास सिर्फ एक रेपिटेशन होता है स्प्रिंटर्स पाँच से सात सेकंड्स में अपने मैक्स स्पीड को हिट कर जाते हैं थ्रोअर्स चम्पर्स बॉक्सर्स सम लाइक माइक टाइसन इनको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए होता है अपने फास्ट ट्वच मोटर यूनिट्स का मतलब इंटेंशन है फास्ट ट्विच मोटर यूनिट्स को स्लो ट्विच मोटर यूनिट्स से पहले ही रिक्रूट करने का इसलिए ऐसे एथलीट्स हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं मतलब मैक्सिमम या नियर मैक्सिमम वेट्स को वन टू थ्री रेपिटेशन के रेंज में करते हैं या फिर सब मैक्सिमल वेट को जो कि आपके वन रेपिटेशन मैक्स का फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट हो सकता है उसको मैक्सिमम स्पीड पर मूव करते हैं बॉडी बिल्डर्स ऑन दी अदर हैंड हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं और इस वजह से बॉडी बिल्डर्स के मसल सबसे बड़े होते हैं पावर लिफ्टर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ओलंपिक लिफ्टर सबसे पावरफुल होते हैं और स्प्रिंटर्स सबसे फास्ट होते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ